રાજકોટમાં બંગાળી એસોસિએશન અને પરિવારો દ્વારા દર વર્ષે દુર્ગા મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે રામનાથપરામાં રામકૃષ્ણ સ્મૃતિ સંઘ દ્વારા મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી. રાજકોટમાં 15 વર્ષથી આ કાર્યક્રમની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આ મહોત્સવ માટે 30 દિવસ અગાઉથી તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવે છે. દેવી પૂજાના 7 પ્રકારના કલ્પ હોય છે. તે પૈકી પહેલા કલ્પની શુક્રવારે પૂજા કરવામાં આવી. પાંચમથી દસમ સુધી પૂજન અને બાળકોનો સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામ પણ રાખવામાં આવે છે. આ ઉત્સવ દરમિયાન સવાર સાંજ પૂજા અર્ચના અને સંધ્યા આરતી દ્વારા સમગ્ર માહોલને ભક્તિમય બનાવવામાં આવે છે. બંગાળની સંસ્કૃતિ રાજકોટ અને આખા ગુજરાતભરમાં ઉભરી આવી હોય તેવો ભક્તિમય માહોલ જોવા મળ્યો. આ મહોત્સવને નિમિત્તે રાજકોટમાં દર વર્ષની માફક આ વર્ષે પણ બંગાળી પરિવાર દ્વારા દુર્ગા મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જી, મારા નામ શિવરામ પાઈક. मैं बंगाली हूँ, तो ये हमारा बंगाली का सबसे बड़ा त्यौहार है दुर्गा उत्सव. माता जी है तो माता जी के नाम पे हम लोग पूजा हर साल करते हैं. तो इसी तरह हमारा पाचम सुधी, पाचम से शुरू करके दशहरा सुधी हमारा पूजा होता है. सबसे बड़ा पूजा अष्टमी है, उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा उसमें महत्व है. तो उसमें पूजा के लिए हम लोग बहुत दिन से हम लोग एक साथ जुट के ये तैयारी किया. तो उसमें से हमारा बंगाली भाई सब मिल के सब कुछ अपने हाथों से मेहनत से सब कुछ ये किया है. तो ये हमारा ग्रुप का नाम है श्री रामकृष्ण स्मृति संघ. हमारा प्रेसिडेंट मुंशी पा रही है, तो अभी वो नहीं है, तो उसके जगह मैं हूँ. तो ये पूजा का महत्व सबसे ज्यादा हम लोग का बंगाली के लिए बहुत ही मेहनत. ये हमारा 2012 से शुरू है, 2018 से. इससे पहले से हमारा राजकोट में 2000 से हम लोग पूजा में था, फिर भी ये नया चालू किया है 2018 से. ये रामकृष्ण नाम के हमारा जो पूजा शुरुआत हुआ आज 2023 है. कितने दिनों तक ये पूजा? ये 5 दिन रहता है, पाचम से शुरू करके दशहरा सुधी. तो इसके तैयारी तो ज्यादा दिन होता है, तो 5 दिन महत्व होता है ज्यादा. प्रोग्राम बच्चे के लिए प्रोग्राम होता है, पाचम होता है उद्घाटन से. पाचम में उद्घाटन होता है, उसमें छोटे छोटे बच्चे का सांस्कृतिक अनुष्ठान होता है, खाना भी खिलाते और सब मेहमान भी आता है उद्घाटन के लिए. और दूसरा रोज जैसा काल भी आज प्रोग्राम था छोटा सा, आज भी बच्चे के लिए थोड़ा प्रोग्राम था. तो काल पूजा के महत्व है, काल अष्टमी है, अष्टमी के दिन हम लोग का पूजा होता है, प्रसाद देते हैं, पुष्पांजलि होने के बाद खाना भी सबको परोसते हैं. उसमें दूसरा काल अष्टमी है, उससे बाद नवमी होता है. नवमी के दिन बहुत ही महत्व होता है. फिर दशहरा हमारा माता जी का विसर्जन होता है. इससे हम लोग बहुत ही माता जाने के बाद बहुत दुखी हो जाते हैं. विसर्जन के दिन रोना भी आ जाता है. माँ है, इसके लिए हम लोग को धन्यवाद करता हूँ. माँ सबसे बड़ा माँ होता है, उसके बाबा पिता होता है. ठीक है.